गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आर SEMT यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश मीडियम, जैसे कि आप जानते हैं कि 7/8 को हमारा स्कूल का यूनिट टेस्ट है, तो इस रिवीजन वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या होगा, पेपर स्टाइल कैसी होगी, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे कई मुद्दों का हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको पता है कि जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन बैग भेजी हुई है 12th स्टैंडर्ड के लिए, उस क्वेश्चन बैग के बेस पे हम ये वीडियो कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वही क्वेश्चन बैग जो मैंने ऑलरेडी आपको दी हुई है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपका जो सिलेबस है, तो पहले तो जो टेक्सुअल है हमारी फ्लेमिंगो बुक, उसका फर्स्ट और सेकंड यूनिट और फर्स्ट पोएम, फर्स्ट यूनिट द लास्ट लेसन, सेकंड यूनिट द लॉस्ट स्प्रिंग एंड माई मदर एट 66, जो फर्स्ट पोएम है हमारी, वो टेक्सुअल सिलेबस रहेगा। और ग्रामेटिकल जो हमने वीडियो देखे हैं वो सब ग्रामर टॉपिक रहेंगे। तो हमारा जो पेपर है चार सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो जो पहला सेक्शन है हमारा सेक्शन ए, सेक्शन ए में हमें फिल इन द ब्लैंक्स आएगी, ऐसे इंडिविजुअल भी आ सकती है और ऐसे ही पैसेज में। इस पेपर में हमने इस तरह के पैसेज के रूप में ब्लैंक्स ली हुई है। जो ब्लैंक्स है हमें एडिटिंग की ब्लैंक्स आएगी, जैसे कि आर्टिकल है, कनेक्टिव से, फ्रेश प्रेपोजिशन से, इंडेफिनाइट प्रोनाउन से, रिलेटिव प्रोनाउन से, कोई स्पेलिंग के बेस पे, ये सब पे आर्टिकल के बेस पे, ये सब पे ब्लैंक्स आएंगी। जैसे कि यहाँ में पहला एग्जांपल दिया हुआ है कि ब्लैंक्स जापानीज, ब्लैंक्स लविंग एंड हार्ड वर्किंग पीपल। जैसे कि जापानीज है, तो जापानीज जनरली क्या है, तो एक रेस, एक जाति है। जाति के आगे हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, द आर्टिकल। मैंने नीचे आंसर भी दिए हुए हैं, देखो कि द जापानीज आर, प्लूरल फॉर्म है तो आर लिखेंगे, द जापानीज आर पीस, PEACE, पीस शांति, शांति, पीस लविंग एंड हार्ड वर्किंग पीपल। तो द जापानीज आर पीस, PEACE, पीस लविंग एंड हार्ड वर्किंग पीपल, PIEC नहीं आएगा। दे लिव, वो रहते हैं, तो रहने के लिए स्पेलिंग क्या होगा, LIVE। दे लिव इन वुडन हाउसेस, दे आर वेरी, वो कैसे है, फ्रेंड नहीं बोल सकते, पीछे एडजेक्टिव आए तो फ्रेंडली लिखना होगा, तो दे आर वेरी फ्रेंडली। दे लाइक टू इनवाइट गेस्ट, तो उस गेस्ट का स्पेलिंग क्या होगा, GUESTS, गेस्ट। दे नील ऑन, वो घुटन पे बैठते हैं, किस पे, क्वेश्चन पे, यस, CUSHION, क्वेश्चन पर स्पेलिंग यहाँ पे होगा। दे नील ऑन अ क्वेश्चन ऑन द फ्लोर, फ्लोर का स्पेलिंग क्या होगा, FLOOR, FLOOR नहीं होगा, वो तो मीनिंग रॉन्ग हो जाता है, FLOOR, फ्लोर। एंड ईट देयर, देयर का स्पेलिंग यहाँ पे होगा THEIR, उनके लिए। देयर मील, भोजन, तो भोजन का स्पेलिंग मील का क्या होगा, MEALS, मील्स विद चॉपस्टिक। तो इस तरह हमारी पहली ब्लैंक से, ऐसे दूसरा भी एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, देखो यहाँ पे आई वॉन्ट, वॉन्ट के साथ एक वर्ब यूज हुआ, दूसरा वर्ब टू वाला आता है, TO2 यहाँ पे आएगा। आई वॉन्ट टू बिकम ए सोल्डर, नहीं सोल्जर, SOLDIER, सोल्जर। आई हैव ज्वाइन, V3, JOIN, ज्वाइन NCC फ्रॉम, टाइम दिखाया हुआ है, फ्रॉम क्लास 7 ओनली, एज, रीजन बताया हुआ है, एज आई हैव अ गुड बॉडी फिजिक्स, फिजिक के लिए स्पेलिंग PHYSIQUE, बॉडी फिजिक, नॉट फिजिक्स। एंड आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री इन फ्यूचर, आई नो दैट हिज लाइफ इज फुल, FULL, फुल ऑफ रिस्क एंड चैलेंजेस, आई लाइक टू टेक अप चैलेंजेस एंड, और कनेक्ट किया है एंड से, एंड ट्राई टू, टू के साथ V1 यूज होगा, ओवरकम, नॉट ओवरकेम, टू ओवरकम देम। तो इस तरह पहला क्वेश्चन 5 मार्क्स का हमें इस तरह की ब्लैंक्स आएगी दोस्तों, जो टोटल एडिटिंग के बेस पे होगी। दूसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा रेक्टिफाई एरर में जनरली टेक्सुअल आता है, लेकिन यहाँ पे हमने वही एडिटिंग के बेस पे दी हुई है, कि कनेक्टिव, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, स्पेलिंग मिस्टेक, इस तरह के
कोई भी एरर होगा जो आपको सही लिखना होगा, और एरर ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी मैंने अंडरलाइन करके ही दी हुई है यहाँ पे। जैसे कि पहली एरर हमारी यहाँ पे, वी विजिटेड द साइंस सिटी, सिटी का स्पेलिंग रॉन्ग है, देखो एस आई टी वाई नहीं होता, सी आई टी वाई होता है। हु से कनेक्ट नहीं होगा, सिटी है इसलिए विच से होगा, अगर पर्सन होगा तो हु आएगा, लेकिन सिटी है तो विच। विच इज़ सिचुएटेड इन अहमदाबाद, नॉट ऑन अहमदाबाद। लास्ट संडे, पास्ट टेंस है तो नेक्स्ट नहीं, लास्ट होगा। वी रिच, रिच का स्पेलिंग देखो, पहुंचने के लिए रिच का स्पेलिंग क्या होगा, आर ई ए सी एच डी पास्ट फॉर्म। रिच देयर एट 2:30 इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी एम लिखेंगे, नॉट ए एम, तो यहाँ ए एम की जगह हम पी एम लिखेंगे। इन द आफ्टरनून वी एन्जॉय द थ्रिल राइड, नॉट थ्रिल्स पर थ्रिल, जस्ट थ्रिल, एस नहीं आएगा। वी ऑल्सो सो, एस ए डबल यू, नॉट एस एच ओ, सो और ए अलग है, ए एनिमेशन नहीं होगा, एन एनिमेशन फिल्म। वी ऑल्सो एन्जॉय द म्यूजिक ऑफ द म्यूजिकल का स्पेलिंग देखो, एम यू सी आई सी एल नहीं होगा, बट एम यू एस आई सी ए एल। तो इस तरह की एरर होगी, और भी थोड़े बहुत एग्जाम्पल है देखो यहाँ पे, दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है कि मैनी ईयर्स बिफोर इन केरला, बिफोर नहीं होगा, मैनी ईयर्स अगो बोला जाता है, एगो, मैनी ईयर्स एगो इन केरला वंस देयर लिव्ड अ किंग हुज नेम बिलोंग करता है, तो हुज आएगा, हुम नहीं आएगा। हुज नेम वॉज किंग महाबली, महाबली का एम कैपिटल होगा, नाम का एम कैपिटल होता है। ही लव, पास्ट टेंस है तो लव्स की जगह लव, ही टू यूज करेंगे। ही लव्ड हिज पीपल वेरी मच, पीपल लव हिम एज मच एज, नॉट एज मैनी एज, बट एज मच एज लिखेंगे, एज मच एज दे लव द गॉड। दे वर्सिप हिम, आई एन जी फॉर्म नहीं होगा पास्ट टेंस है तो वर्सिप ईडी लगेगा पीछे वी टू, वर्सिप हिम लाइक गॉड, कॉन्ट्रास्ट है तो बट से कनेक्ट करेंगे, दो की जगह बट लिखेंगे, बट द गॉड डिडन लाइक दिस, स्टिल, स्टिल नहीं आएगा, रीजन है तो सो आएगा, सो दे ड्रोव हिम आउट। द किंग वेंट टू द गॉड एंड रिक्वेस्ट की, तो आज की जगह रिक्वेस्ट लिखेंगे, रिक्वेस्टेड टू देम टू अलाउ हिम, टू वाला वर्ब आएगा, मीटिंग नहीं आएगा, डू वर्ब फॉर्म तो टू वाला होगा, टू मीट, टू अलाउ हिम टू मीट हिज पीपल वंस। तो इस तरह दूसरे रेक्टिफाई एरर है, जैसे कि तीसरी भी मैंने यहाँ पे दी हुई है, कंप्यूटर्स प्लूरल फॉर्म है तो हैज की जगह हम क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे, कि कंप्यूटर्स हैव मैनी एडवांटेजेस बट, कॉन्ट्रास्ट है तो बट आएगा, बट लेट अस नॉट फॉरगेट, फॉरगॉट नहीं, वी टू नहीं, वी वन यूज होगा लेट के साथ, तो फॉरगेट दैट अ कंप्यूटर इज मशीन लाइक ऑल अदर, नॉट अन अदर बट अदर मशीन्स, अदर बोलेंगे हम, अदर मशीन्स। इफ देर इज अ सिंगल, सिंगल का स्पेलिंग देखो, सिग्नल का नहीं, सिंगल, एस आई एन जी एल, सिंगल मिस्टेक इन द प्रोग्राम, और इफ द ऑपरेटर गोज रॉन्ग इवन फॉर, एफ ओ आर, नॉट फोर, फॉर अ सेकंड देर, यहाँ देर कौन सा होगा, टी एच ई आर ई वाला, देर नहीं, देर कैन बी अ सीरियस प्रॉब्लम, सीरियसली नहीं, सीरियस प्रॉब्लम बोला जाता है। इन शॉर्ट, शॉर्ट का स्पेलिंग एस एच ओ आर टी, इन शॉर्ट वी मस्ट कंट्रोल कंप्यूटर, कंप्यूटर मस्ट नॉट कंट्रोल अस, वी नहीं लिखेंगे हम, अस लिखेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरह का हमारा सेक्शन ए रहेगा, पहली फिल इन द ब्लैंक्स आएगी और दूसरी रेक्टिफाई एरर होगी, जो 10 मार्क्स का सेक्शन ए होगा, जो ग्रामर बेस पे होगा, एडिटिंग बेस पे। और दूसरा टॉपिक हम देखेंगे सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन हमारा डू इट डायरेक्टेड होगा 5 मार्क्स का, जो टोटली हमें चेंज करने, जो सेंटेंस हमारे ग्रामेटिकल इंटरचेंज करने होते हैं उसके बेस पे होगा। जैसे कि यहाँ पहला मैंने चेंज द वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है, वी विजिटेड द ताजमहल लास्ट मंथ, ऑलरेडी हमने सारे टेंसेस एक्टिव पैसिव में देखे थे, तो वी विजिटेड यहाँ पास्ट फॉर्म है, वी सब्जेक्ट है इसलिए एक्टिव वॉइस का है, वी आर सब्जेक्ट आगे, और ताजमहल ऑब्जेक्ट है जो पीछे है। अगर हम पैसिव में ट्रांसफर करेंगे तो ताजमहल कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, द ताजमहल पास्ट फॉर्म है इसलिए वॉज लिखेंगे, प्लूरल फॉर्म होगा तो वर लिखेंगे। द ताजमहल वॉज वी थ्री, विजिटेड का वी थ्री भी विजिटेड रहेगा। द ताजमहल वॉज विजिटेड बाय अस, वी का अस हो जाएगा, बाय के साथ सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। द ताजमहल वॉज विजिटेड बाय अस लास्ट मंथ, या लास्ट का प्रीवियस नहीं करना, वो इनडायरेक्ट स्पीच में आता है, याद रखो। ही कैन क्लाइम द गिनार, ये भी हमें वॉइस चेंज करना है, तो अगर मॉडल ऑक्सिलरीज दिए हुए तो बी का यूज करेंगे हम उसके साथ, तो यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है, द गिनार, तो द गिनार आगे आ जाएगा। द गिनार कैन बी क्लाइंबेड बाय हिम, तीसरा है हमारा देखो यहाँ पे कि इफ़ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, पॉजिटिव सेंटेंस है, अनलेस करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, कि अनलेस यू रन फास्ट, इफ की जगह अनलेस लिखा तो पीछे हम नेगेटिव करेंगे, तो विल के साथ नॉट यूज कर सकते हैं, कि यू विल नॉट विन द रेस ऐसे भी लिख सकते हैं, और यू विल लॉस द रेस ऐसे भी लिख सकते हैं।
द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया. देखो ऑलरेडी द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, उसे हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है. अगर सिंगुलर है तो नो अदर से, प्लूरल है तो वेरी फ्यू से, याद रखना. तो यहाँ सिंगुलर है, रिवर है, रिवर्स नहीं लिखा, तो नो अदर से यूज करेंगे हम कि नो अदर रिवर इज सो लॉन्ग एज, लॉन्गेस्ट की जगह लॉन्ग और सो एज का यूज करेंगे, तो सो लॉन्ग एज द गंगा, जो गंगा नाम आगे हो पीछे चला जाएगा और नो अदर से सेंटेंस शुरू होगा. फिर कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस है यहाँ पे, देखो कि दो ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी, दो ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी. देखो क्वेश्चन ही गलत है, बट नहीं आएगा, बट तो हमें यूज करना है. ये क्वेश्चन कैसा रहेगा, दो ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए. इसमें बट यूज करना है तो मिडल में बट यूज करेंगे, दो निकाल देंगे. ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी, इस तरह का सेंटेंस होगा ये. सिक्स वन, दे आर टू लेट टू कैच द ट्रेन. रिमूव टू करना है हमें, तो टू निकाल के सो लिखेंगे और टी ओ टू की जगह दैट और सब्जेक्ट के साथ कैन और कुड का यूज करेंगे टेंस के हिसाब से. जैसे कि दे आर टू लेट टू कैच द ट्रेन, तो आंसर हमारा क्या होगा, दे आर टू, टी डबल ओ टू की जगह क्या लिखेंगे, टी ओ टू. दे आर टू लेट और टू की जगह फिर दैट लिखेंगे, तो दे आर सो लेट दैट दे कैन नॉट कैच द बस. यहाँ सब्जेक्ट दे है, अगर सब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो वन लिखेंगे हम, और प्रेजेंट टेंस इसलिए कैन नॉट लिखा, पास्ट टेंस होगा तो कुड नॉट लिखेंगे. नेक्स्ट वन है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसका एसर्टिव सिंपल बनाना है. तो सिंपल सेंटेंस है तो सब्जेक्ट से शुरू करेंगे. जैसे कि यहाँ पे वाटर हाउस से जनरली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट होते हैं कि व्हाट अ ब्रेव मैन सरदार पटेल वाज, तो सिंपल क्या होगा, सरदार पटेल वाज अ वेरी ब्रेव मैन. इन स्पाइट ऑफ देयर वॉकिंग फास्ट दे कुड नॉट रीच इन टाइम. दो लिखना है तो दो से शुरुआत करेंगे, यहाँ मैंने आंसर बट से लिया है, लेकिन दो से कैसे होगा, तो दो आगे लिखेंगे कि दो दे वॉक, ईडी लिखेगा पाछर पास्ट फॉर्म, दो दे वॉक फास्ट दे कुड नॉट रीच इन टाइम, ऐसे होगा. यहाँ मैंने बट यूज किया है, देखो कि दे वॉक फास्ट बट दे कुड नॉट रीच इन टाइम. अगर बट निकाल देंगे तो दो आगे लिख देंगे इसमें कि दो दे वॉक फास्ट दे कुड नॉट रीच इन टाइम. नाइन्थ वन हमारा, देखो क्वेश्चन टैग ऐड करना है तो क्वेश्चन टैग का सिंपल रूल है, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव. या नेगेटिव सेंटेंस है, आई एम नॉट सो फास्ट एज यू, तो आंसर क्या होगा, एम आई. अगर ऐसा होगा वी आर स्टूडेंट्स, तो आर एंड वी ऐसे लिखेंगे, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव. नेक्स्ट है हमारा कि एज सुन एज द पुलिस अराइव्ड द थीप एस्केप. जैसे ही पुलिस आई चोर भाग गए. नो सुनर यूज करना है, तो जब नो सुनर यूज करेंगे तो उसके साथ डिड यूज करेंगे और डिड के साथ वी वन आएगा, तो अराइव्ड का वी वन अराइव होगा और दोनों सेंटेंस देन से कनेक्ट करेंगे, टी एच एन नॉट टी एच एन. जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने, नो सुनर डिड द पुलिस अराइव देन टी एच एन द थीप एस्केप, पीछे कोई चिन्ह नहीं करना. एवरी वन मस्ट ऑबे द रूल, सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव करना है. और जब हम नेगेटिव चेंज करेंगे तो एक बात याद रखना दोस्तों, ये कतई मीनिंग चेंज होना चाहिए नहीं, तो मीनिंग के लिए सिर्फ नॉट नहीं लिखना है यहाँ, लेकिन जो एडजेक्टिव दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है, उसका ऑपोजिट वर्ब भी लिखेंगे. जैसे कि एवरीवन का नो वन किया हमने, बट ऑबे का डिसऑबे करना पड़ेगा. अगर ऑबे लिखेंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा. तो आंसर क्या होगा कि एवरीवन मस्ट ऑबे द रूल्स, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव क्या होगा कि नो वन मस्ट डिसऑबे द रूल्स. फिर से देखिए दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आया कि व्हाट अ सिंपल मैन गांधी जी वॉज. ऐसे डू करना है, सिंपल बनाना है, तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, गांधी जी, तो गांधी जी वॉज अ वेरी सिंपल मैन. वेरी जैसे वर्ड हम यूज करते हैं, व्हाट हाउ निकल जाता है. टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, फिर से रिमूव टू करना है हमें. टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, टू की जगह सो और दूसरे टू की जगह दैट लिखेंगे. प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट. यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं तो वन का यूज किया है. देखो मैंने कि टी इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट ड्रिंक, और आगे सब्जेक्ट नहीं तो पीछे हम इट लिखेंगे, राइट. तो टी इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट ड्रिंक इट. वेरी फ्यू कंट्रीज, देखो ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, और वेरी फ्यू मीन्स प्लूरल फॉर्म में है कि वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज हॉट एज अफ्रीका. तो सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द यू का यूज करेंगे, क्योंकि प्लूरल फॉर्म है कि अफ्रीका इज वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्रीज, नॉट कंट्री बट प्लूरल फॉर्म वन ऑफ लिखा इसलिए कंट्रीज लिखेंगे यहाँ पे. वी हैव सीन थ्री इडियट्स, पैसिव में चेंज करना है तो थ्री इडियट्स हैं ऑब्जेक्ट है तो आगे आ जाएगा. थ्री इडियट्स हैज हैव हेड के साथ बीन यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में. थ्री इडियट्स हैज बीन सीन बाय अस, ऑलरेडी वी थ्री आपको दिया हुआ है. तो दोस्तों इस तरह सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन हमारा डू एट डिरेक्टेड होगा. दूसरा क्वेश्चन हमें
इनडायरेक्ट स्पीच आएगा। और अगर इनडायरेक्ट स्पीच नहीं लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, इडियम्स और फ्रेसिस। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा इस तरह का होगा। तो देखो इनडायरेक्ट स्पीच तो हम एट स्टैंडर्ड से पढ़ते आए, उसी बेस पे आपको ऐसे एक डायलॉग दिया होगा, उस डायलॉग के बेस पे हमें एक पैराग्राफ लिखना है, कौन रिपोर्टर है, कौन लिसनर है, किस टाइप का क्वेश्चन है, किस टेंस का है, उसके हिसाब से हमें चेंज करना है। तो ऐसे एक दो एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, वो गो थ्रू हो जाना। अगर ये नहीं लिखना तो उसके और में हमें इडियम्स और फ्रेसेस दिया हुआ है जो कि 3 मार्क का क्वेश्चन रहेगा आपका। और इसमें क्या करना होगा हमें कि जो अंडरलाइन वर्ड है उसका सिमिलर वर्ड आपको आइडेंटिफाई करके लिखना है। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन था द प्रिंसिपल पुट अप द मीटिंग यस्टरडे। पुट अप का क्या होगा वो सिमिलर वर्ड कैंसल, तो पुट अप निकाल के कैंसल लिख देंगे। दूसरा है द पेरेंट्स वर टेकन अबैक, टेकन अबैक मीन्स सरप्राइज हो जाना। तो आंसर हमारा रहेगा, मैंने डार्क किया हुआ है, वर ग्रेटली सरप्राइज। ही द कॉन्स्टेंट हेड कोल्ड फील, होल्ड फील मीन नर्वस हो जाना, फ्राइटनेड हो जाना। तो यहाँ आंसर होगा हमारा वॉज फ्राइटनेड। आगे ही स्टम्बल अपन लॉटरी, मीन्स लॉटरी जीता, तो वॉन स्टम्बल अपन की जगह। दूसरा है कि इनडिसिप्लिन इज अ ग्रेट बार एंड बैरियर, बार एंड बैरियर मीन्स ऑब्स्टेकल होना, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑब्स्टेकल। तो इस तरह 5 और 3 मार्क्स, 8 मार्क्स का सेक्शन बी रहेगा, पहले डू एट डायरेक्टेड आएगा जो 5 लिखना है, और 3 मार्क्स का आपको इनडायरेक्ट स्पीच और इसके और मीडियम्स एंड फ्रेसेस लिखेंगे हम। अब जाते हैं हम सेक्शन सी पे। तो दोस्तों इस जो सेक्शन सी है हमारा वो टोटली टेक्स्ट बेस पे है, जो हमारे 2 रीड और 1 पोएम है उसके, फ्लेमिंगो के पहला और दूसरा रीड और फर्स्ट पोएम है उसके बेस पे हम पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देंगे जो कि ऑलरेडी मैंने आपको वर्कशीट में भेजी हुई है उसके हिसाब पे, और मैंने आंसर भी यहाँ पे दिए हुए हैं। देखो इस तरह की हम 7 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन रखेंगे, 7 ऐसे MCQ टाइप्स क्वेश्चन होंगे फर्स्ट 1 मार्क्स के, फिगर ऑफ स्पीच भी पोएम की आ सकती है इसमें। और दूसरा क्वेश्चन इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन रहेगा, वो भी हो तीनों जो सिलेबस है टेक्सचुअल के हमारे उसके बेस पे रहेंगे। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन लिखने हैं, 10 मार्क्स के क्वेश्चन है आपको, तो फुल लेंथ में लिखना है हमें, वो भी मैंने आपको दिए हुए, वो भी गो थ्रू हो जाना दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके पास, ऑलरेडी वर्कशीट है उस पर रीड करके आप जा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह सेक्शन सी हमारा 7 और 10 मीन्स 17 मार्क्स का आपका टेक्सचुअल रहेगा। फिर आ जाते हैं सेक्शन डी पे। तो देखिए दोस्तों सेक्शन डी हमारा ईमेल राइटिंग आएगा 4 मार्क्स का, इसके और में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कोई ग्राफ या टेबल होगा। तो ईमेल राइटिंग हम जैसे कि लिखते आए हैं 10th स्टैंडर्ड से उसी तरह से लिखेंगे, फ्रॉम टू CC सब्जेक्ट डेट अटैचमेंट का बॉक्स, ये सारे बॉक्स बनाने हैं जैसे कि मैंने एग्जांपल में दिए हुए हैं। इस तरह के बॉक्स बनाएंगे, दो दो बॉक्स हो गए और अराउंड 80 वर्ड्स में लिखेंगे। जैसे कि हमें एक एग्जाम्पल गो थ्रू थे होता हूँ कि भाई यू आर रसिक दाबी फ्रॉम A7 राही अपार्टमेंट आनंद, योर आधार कार्ड प्रोवाइड टू यू इज मिसस्पेल्ड इन नेम, मेल टू द अथॉरिटी ऑफ गुजरात गवर्नमेंट फॉर करेक्टिंग द स्पेल। यहाँ देखिए दोस्तों कि भाई आपका आधार कार्ड है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आपको गवर्नमेंट को जो अथॉरिटी गवर्नमेंट है जो आधार कार्ड केंद्र है उसमें आपको मेल करना है। जैसे कि फ्रॉम पहले लिखेंगे, पहला एक मेन बॉक्स होता है उसके अंदर बॉक्स का बॉक्स होता है, जैसे कि फ्रॉम तो जो लिख रहा है उसका ईमेल आईडी होगा, टू किसको लिखना है उसको ईमेल आईडी, CC अगर एक से ज़्यादा फ्रेंड को भेजना है, एक से ज़्यादा कोई संस्था को भेजना है तो वहाँ लिखेंगे, अगर नहीं लिखना है तो डैश, लेकिन बॉक्स तो बनाएंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है वो लिखा हुआ है, डेट क्या है, तो ये पहला बॉक्स हमारा होगा। और उसके नीचे अटैचमेंट का एक बॉक्स होगा, जो डिटेल हमें लिखने हैं वो अटैचमेंट के बॉक्स में लिखेंगे। इस तरह के अलग अलग हम बॉक्स बनाएंगे, और ए बॉक्स का एक मेजर बॉक्स होगा, मेन बॉक्स होगा, इस तरह इसके भी मार्क्स रहते हुए फॉर्मेट के। तो इस फॉर्मेट के आधार से जो डिटेल है हम वो अटैचमेंट के बॉक्स में लिखेंगे, और लास्ट में हम उसको थैंक यू करेंगे और सिंसियरली और फिरफिली लिख के कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह हमें ईमेल लिखना है दोस्तों, जो हमें फॉर्मेट सिखाई गई है उसके हिसाब से ही लिखेंगे हम। यहाँ देख लेना कैसी फॉर्मेट है हमारी, ऐसे 2-4 मैंने ईमेल के एग्जांपल दिए हैं, वो भी आप PDF में चेक कर सकते हैं। अगर ये नहीं लिखना तो दूसरा क्वेश्चन हमारा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का आएगा, यहाँ 5 मार्क्स नहीं 4 मार्क्स का होगा आपके लिए। तो इसमें क्या होगा, आपको कोई ग्राफ, कोई ऐसा टेबल,
कोई पाई चार्ट या कोई ऐसा ट्री डायग्राम दिया होगा, उसके बेस पे आपको मिनिमम 8 सेंटेंस बनाने हैं, मिनिमम 8 सेंटेंस। जो डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कोई पिक्चर भी दिया होगा, तो उसके हिसाब से आपको उनके डिटेल लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने पीपल्स ड्वेलिंग, लोग कहाँ रहते हैं, किस इलाके में कहाँ रहते हैं, जैसे कश्मीर में लोग हाउस बोट में रहते हैं, क्यों रहते हैं, कोल्ड नॉर्थ में इग्लूज में रहते हैं क्यों, अफ्रीका में जंगल में टॉप ऑफ ट्री में रहते हैं, डेजर्ट में लोग टेंट बना के रहते हैं, बिग सिटी में बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स में रहते हैं। तो ऐसे आपको सेंटेंस बनाना है। और कोई अगर कंपैरिजन का क्वेश्चन होगा तो आप डिग्री का भी यूज कर सकते हैं इसमें, इस तरह के 8 सेंटेंस इसमें बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा दोस्तों एप्लीकेशन राइटिंग। जैसे कि हम 11th में से सीखते आए हैं कि एप्लीकेशन कैसे लिखे, यहाँ मैंने फॉर्मेट दिया हुआ है कि पहले जो सेंडर का एड्रेस होगा वो लिखेंगे, राइट साइड लिखेंगे, लेफ्ट साइड जिसको हमें सेंड करना है उसका एड्रेस लिखेंगे, बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर रिस्पेक्टेड सर मैडम सैल्यूटेशन लिखेंगे, पहला पैराग्राफ विद रेफरेंस वाला ये लिखना है आपको, सिर्फ पोस्ट ही चेंज करनी है। उसके बाद आपका जो पूरा बायोडाटा रेज्यूमे है वो लिखेंगे, ये भी किस तरह से लिखते हैं मैंने यहाँ पे दिया है 7-8 पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद एजुकेशन लिखेंगे, तो एजुकेशन कैसे लिखते हैं याद रखना, जो पोस्ट है उसके हिसाब से ही लिखना है। SSC HSC तो कॉमन रहेगा, स्ट्रीम बतानी पड़ेगी आपको, वो भी पोस्ट के हिसाब से बतानी पड़ेगी। फिर बैचलर डिग्री रहती है, मास्टर डिग्री रहती है, बैचलर डिग्री 3 ईयर्स, मास्टर डिग्री 2 ईयर्स, वो भी आपको इसके हिसाब से ही बताना है कौन सी पोस्ट है। जैसे कि आर्ट्स टीचर है तो BA बताना है, BA MA, कॉमर्स का है तो BCOM MCOM, साइंस डिपार्टमेंट का है तो BSc MSc, कंप्यूटर का है तो BCA MCA, मेडिकल का है, फार्मेसी का है तो BPharm MPharm, इस तरह हम इंजीनियरिंग का है तो BEME, इस तरह हम बताएंगे। अगर टीचर का है तो लास्ट में हम BEd लिखेंगे। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस बताना है कि कितने ईयर से आप कहीं, वो कंपलसरी बताना है आपको। फिर जॉब क्यों छोड़ना वहाँ चाहते हो उसका रीज़न, तो फॉर बेटर प्रॉस्पेक्ट लिखेंगे। आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी है तो फिगर की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे एज पर गवर्नमेंट रूल। फिर 2 रेफरेंस बताने हैं, जो वेल नोन पर्सनालिटी हो, जहाँ हमें भेजना है वहाँ के, उनके 2 रेफरेंस बताने हैं। फिर लास्ट पे से लिख के योर्स फेथफुली करके हमें हमारा सिग्नेचर करना है। इसके बाद लास्ट में एप्लीकेशन में इंक्लोजर, इसके साथ हम कौन से डॉक्यूमेंट भेजते हैं, तो जो हमने एजुकेशन में लिखे वही डॉक्यूमेंट लिख देने के, लास्ट में LC और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिखने का, इस तरह के हम 2 कॉपीज लिखेंगे और इस तरह हम एप्लीकेशन लिखेंगे जो आपको 5 मार्क्स की रहेगी। दोस्तों यहाँ मैंने देखो एक बायोलॉजी टीचर का एग्जाम्पल दिया ही हुआ है, वो गो थ्रू हो जाना। अगर ये नहीं लिखना तो हम क्या लिखेंगे, रिपोर्ट राइटिंग, ये तो अच्छी तरह से हम लिख सकते हैं। पास्ट टेंस में लिखना है, अराउंड 100-120 वर्ड में लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ है, देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने विजिट टू साइंस सेंटर का लिखा हुआ है, तो पहले सब्जेक्ट, डेट, प्लेस मेंशन करनी है तो प्लेस मेंशन, और एक पैराग्राफ में, एक या दो पैराग्राफ में हम इस तरह के रिपोर्ट लिखेंगे। यहाँ मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, विजिट टू ओल्ड एज होम, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का हो सकता है, ब्लड डोनेशन कैंप का भी हो सकता है, एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन का भी हो सकता है, ऐसा कोई भी आएगा आपको। लेकिन एक ही बात याद रखना कि पास्ट टेंस में रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट मीन्स अहवाल, कोई भी इंसिडेंट हो गया हो उसका अहवाल लिखना है हमें, तो ये पास्ट टेंस में ही आएगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग। दोस्तों इसमें जो हमारे करंट टॉपिक अभी चल रहे हैं उसके बेस पे आपको 2 सब्जेक्ट दिए होंगे, वो 2 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट पे आपको मोर देन 350 वर्ड्स, क्योंकि ऐसे में एक रूल है जनरली बोर्ड में कि द मोर यू राइट द मोर यू गेट, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा मिलेगा। तो जनरली हम लिखते क्या है कि पहला 3 पैसेज में जनरली लिखते हैं, लेकिन हमें तो मोर देन 3 पैसेज नहीं लिखना है। पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन होता है, फिर दूसरा पैराग्राफ मेन थीम होती है और लास्ट कंक्लूजन होता है। लेकिन ऐसे नहीं, हम थोड़े बहुत एग्जांपल भी देंगे, करंट अफेयर जो चल रहे हैं उसके बारे में भी लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2-3 ऐसे दिए हुए हैं, पहला ग्लोबल वार्मिंग है तो देखो किस तरह से मैंने लिखा हुआ है, साइंस ब्लेसिंग और कर्स उसके बारे में लिखा हुआ है, वुमन एम्पावरमेंट जो भी के करंट सिचुएशन है अभी हॉट टॉपिक है, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इसके बारे में, सेल फोन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो सेल फोन तो अभी हम लाइव कैसे पढ़ रहे हैं सेल फोन की मदद से, वो एडवांटेजेस है, उसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत है, तो एक कॉन्ट्रास्ट करके कैसे हमें ये भी लिख सकते हैं हम।
डिटेल में। तो दोस्तों इस तरह के हमें ऐसे आएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर और कोई दिक्कत हो दोस्तों तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके भी पूछ सकते हैं, 24/7 में अवेलेबल हो आपके लिए। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। बेस्ट ऑफ लक।